आगे बढ़ के जी तालीम करना जी जोड़ना है, हरिमा उसको ही बोलना है जी। दुआ होते ही आगे बढ़कर जी तालीम करना जी, 10 मिनट की तालीम जी। जो बैठते बैठते जो जाते जाते जी हरी वाह जुड़ जाओ, सब सब क्या जहाँ बैठे वहीं बैठो सुनो। उसके बाद एक तरफ बैठकर मस्जिद वार मशवरा करने जी, किसी किनारे जी, वो भी लंबा नहीं करना, इधर उधर की बातें नहीं लाना, मुलाकातों की तरतीब बने जी। दो दो आदमी मुलाकात होती है जी, और जो अभी फिलहाल फौरी तौर पर जी जो हमारे जानने वाले हैं उनसे मिले, अभी नए लोगों पर मुलाकात नहीं करना जी, और इत्मीनान से घर में बैठकर तफसीली बात करना। ईमान की आखिरत की इन हालात में अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने की जी। मौलाना इब्राहिम साहब के पास हमारे कुछ साथी गए थे जी, मौलाना बोले तौबा इस्तग़फ़ार जी, सब्र और तक़वा जी, तो अल्लाह राहें खोलेगा जी। तो तालीम करना जी, मस्जिद और मुलाकातों की तरतीब बनाना जी, क्योंकि फजर का वक्त जो है वो सिर्फ दीनदार लोग ही होते हैं यहाँ जी हाँ, तो इसलिए वो वक्त अच्छा तालीम भी कर लेना, मस्जिद और मशवरा भी कर लेना जी, दो अमल हो गए जी। फिर मुलाकात जी, दो दो साथी जाके मुलाकात कर जी, तीन अमल हो गए जी, दो गश्त। अच्छा, गश्तों की तरतीब भी सुबह मशवरे में बना लेना जी, और दो दो साथ वैसे ही जाके मुलाकात कर और वही पूरी बात कर लेना जी, गश्त करके मस्जिद में लाना नहीं जी। दूसरा गश्त भी इसी तरह जी, मारो जो पहचान के लोग हैं वहां जाके उनसे मुलाकात कर जी, ये चार बातें तय करें। अभी 3 दिन की जमात है, अभी फिलहाल जो है वो रोक कर रखो जी, इतना काम शुरू होने तो फिर देखेंगे आगे क्या करते हैं। इतनी बात रात को शुरू होगा, गश्त जिसे जो की सहूलत का है गश्त की तरतीब में बना लेना, वो तो दो दो आदमी की तरतीब तो अपनी तरतीब से गश्त करें जी, कल ये इतना मशवरा होगा। अच्छा, अच्छी बात है, दुआ फरमाइए, अल्लाह अच्छा करे, आप भी दुआ कीजिए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई जो भी पूछे सवाल करे पूछे, उनको बता दीजिए कि हमारे इस सिलसिले में हम कोई तफसीली तरतीब काम की बता नहीं सकते, हर जगह की सूरत हाल मुख्तलिफ है, वो वहाँ के लोगों के सामने है, उसको सामने रखते हुए और ख़वानीन की पाबंदी करते हुए जितना जितनी गुंजाइश हो मुमकिन हो उतना करें, और कितनी गुंजाइश है कितनी मुमकिन है यहाँ के मुखाबिक वहाँ के मुखाबिक के हालात पर है, और वो वहीं के लोग जानते हैं और हर जगह के हालात मुख्तलिफ है, इसलिए कोई एक बात सबको नहीं कही जा सकती। बेहतर ये है कि बस ये ज़ाब्ते को सामने रखें कि कानून के ख़िलाफ़ ना हो, जो क़वानीन का दायरा है उसके अंदर रहते हुए जितना मुमकिन हो उतना करें, ये एक बुनियादी चीज़ है, उसको सामने रखते हुए वो ख़ुद आपस में तजवीज़ करें सोचें और कोई रास्ता निकालें। अस्सलामु अलैकुम।